मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटों में कई जगहों पर भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार वेस्ट मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बारिश के साथ थंडर स्टॉर्म दर्ज किया गया है। सबसे अधिक बारिश शिवपुरी में हुई। ईस्टर्न मध्य प्रदेश में भी अच्छी बारिश हुई, साथ ही सबसे अधिक तापमान छतरपुर में रहा। बता दें कि राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है, जिसकी वजह से रतलाम, झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, देवास में आने वाले दिनों में सबसे अधिक वर्षा होने की संभावना है। भोपाल, सीहोर, रायसेन में भी हैवी रेनफॉल के आसार है। आने वाले 4 दिनों तक पूरे प्रदेश में तेज से मध्यम वर्षा हो सकती है। 10 जुलाई के हैवी रेनफॉल की चेतावनी जारी कर दी गई है। छतरपुर, पन्ना, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, कटनी, नॉर्थ एमपी के जिलों में मुख्य रूप से ये चेतावनी जारी की गई है। 11 जून से मॉनसून और भी ज्यादा सक्रिय हो जाएगा। मध्य प्रदेश में मॉनसून ने अच्छे रूप में दस्तक दे दिए हैं। अधिकतर जिलों में भारी बारिश दर्ज की जा रही है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार विदिशा, उदयगिरी, रायसेन, सांची, छिंदवाड़ा, मध्य शिवपुरी, झाबुआ, अलीराजपुर, जबलपुर और भेड़ाघाट में बिजली के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही पश्चिम और पूर्वी शिवपुरी, गुना और अशोकनगर में बिजली के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना है। सागर, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, ओरछा, धार, मांडू, नीमच, बैतूल, सिवानी, नर्मदापुर, पंचमढ़ी, पांडुर्मा, पेच, बालाघाट, श्योपुर, मुरैना, दतिया, रतनगढ़, कटनी, मऊगंज, मैहर, उत्तरी, शहडोल, भोपाल, बैरागढ़, सीहोर, राजगढ़, शाजापुर, उज्जैन, इंदौर, देवास, आगर, रतलाम, मंदसौर, हरदा, नरसिंहपुर, ग्वालियर, बड़वानी, मंडला, सतना, रीवा, छतरपुर, उमरिया, बंधवागढ़, सीधी, दक्षिण, शहडोल और डिंडोरी और पन्ना में रात के समय बिजली के साथ हल्की आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई जा रही है।